हेडिंग डालेंगे परछाई पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने दो तीन टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जैसे आपके कोण वाले थे, आपके डायरेक्शन वाले थे, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले थे। ये तीनों की तीनों वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है, आप उसमें जाके दोबारा भी देख सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट में परछाई पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि परछाई पर आधारित क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए परछाई क्या होती है हमारी, परछाई होती है शैडो। परछाई जो बनती है हमारी वो क्या होती है, शैडो। शैडो हम छाया भी बोल देते हैं इसे, तो चाहे छाया बोल दो चाहे परछाई बोल दो। अब छाया जो बनेगी वो किससे बनेगी, वो बनेगी हमेशा लाइट से यानी कि प्रकाश से, ठीक है। अब प्रकाश किस चीज का होगा, देखो वैसे तो प्रकाश आपकी मोमबत्ती का भी होता है, बल्ब का भी होता है, लाइट का भी होता है, लेकिन हम जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस पे आधारित, सूर्य के प्रकाश पे आधारित, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है वो केवल और केवल सूर्य के प्रकाश से आधारित क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती है। अब सूर्य के प्रकाश की देखो कुछ सिचुएशन और कंडीशन होती है, उन्हें हम सबसे पहले समझते हैं। देखो सबसे पहले टाइम होता है कुछ ना कुछ, जैसे सुबह का टाइम होगा, ठीक है, दोपहर का टाइम होगा और आपके शाम का टाइम होगा। कि अगर 11-12 बजे से पहले की बात कर रहा है तो सुबह का टाइम है, एग्जैक्ट 12 बजे की बात कर रहा है या 1 बजे की बात कर रहा है तो दोपहर का टाइम है, और 12 बजे के बाद का जो टाइम होगा वो हमेशा शाम के समय में आएगा, ठीक है। वैसे तो सुबह या शाम के ही लिख के देता है, टाइम कभी नहीं आता क्वेश्चन में। अब आपको पता है हमें किसकी बात करनी है, सूर्य के प्रकाश की। सूर्य की जो स्थिति होती है वो सुबह दोपहर शाम तीन तरीके से डिवाइड कर रखा है हमने। आपको पता है आपकी दिशाएं कौन सी होती हैं, कि ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये वाली आपकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो दिशा तो तीनों के लिए सेम ही रहेंगी लगभग लगभग, तो दोपहर के लिए भी दिशाओं की जो सिचुएशन रहेगी वो यही रहेगी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और शाम के लिए भी जो स्थिति रहेगी वो यही रहेगी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। अब एक एक करके हम समझते हैं कि भाई अगर सुबह की बात करें तो सुबह के समय सूर्य हमारा कहाँ रहता है, पूरब साइड में। क्यों? क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो आपका होता है सूर्योदय का समय। कई बार सूर्योदय का समय ही लिख के आ जाता है, भाई सुबह को ही तो निकलता है सूर्य, ऐसा तो है नहीं कहीं शाम को निकलता हो। तो जहां भी सूर्य निकलेगा वो सुबह को ही निकलेगा, ठीक है। तो सूर्योदय का समय जो होता है वो कौन सा होता है, सुबह का होता है। और सूर्योदय के समय जो हमारे सूर्य की स्थिति होती है वो कौन सी होती है, पूर्व दिशा में होती है, ठीक है। कि अगर हम सूर्य बनाएं थोड़ा ठीक से, तो सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, पूरब में। और हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रकाश से छाया बनेगी, प्रकाश से जो छाया बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बनेगी। जैसे अगर कोई लाइट मेरे लेफ्ट साइड में लगी हुई है तो मेरी जो छाया बनेगी वो हमेशा किधर बनेगी, राइट साइड में बनेगी, ठीक है। और अगर लाइट मेरे राइट साइड में लगी है तो छाया किधर बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। जैसे आप देख रहे होगे ये लाइट मेरे लेफ्ट में बन रही है, अब देखो मेरी छाया किधर दिख रही है, राइट में दिख रही है, दिख रही है ना। तो लाइट ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट में है, परछाई या शैडो किधर बन रही है, राइट में। तो हमेशा अपोजिट साइड बनती है। तो अगर मैं सुबह के समय की बात करूं तो सूर्य कहाँ होगा, पूरब में, तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में। बात क्लियर है कि परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी, ठीक है। अब दोपहर में क्या होता है, दोपहर में जो सूर्य आ जाता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। 12-1 बजे के आसपास का जो टाइम होगा उस टाइम पे अगर हम सूर्य को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर दिखाई देगा। और जब सूर्य हमारे सर के ऊपर है तो परछाई कहाँ बननी चाहिए,
बिल्कुल पैरों में, मतलब वो जमीन के नीचे चली जाएगी, तो उस टाइम पे हमें परछाई दिखाई नहीं देती। अब पैरों में तो दिखाई देगी नहीं, तो इसलिए दोपहर के समय को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय हमारी परछाई दिखाई नहीं देती है। जब बात करेंगे हम शाम की, तो तुम्हें पता है शाम का जो समय होता है वो कौन सा होता है? सूर्यास्त का समय होता है। और सूर्यास्त के समय सूरज कहाँ पहुंच जाता है? पश्चिम में पहुंच जाता है, क्योंकि सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। अब जब सूर्य पश्चिम में पहुंच गया तो परछाई कहां बनेगी? कहां बनेगी? पूरब में बनेगी। तो आपको केवल दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर सुबह का समय है तो परछाई किस दिशा में बनेगी? पश्चिम में। और अगर शाम का समय है तो परछाई किधर बनेगी? पूरब में। उत्तर और दक्षिण में कभी भी परछाई नहीं बनती है, ठीक है? ध्यान रखना है, ना तो उत्तर में कभी परछाई बनेगी, ना दक्षिण में बनेगी, ना इसमें उत्तर में बनेगी, ना इसमें दक्षिण में बनेगी। मतलब चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, परछाई जो बनती है वो या तो पूरब में बनती है या पश्चिम में बनती है। यहाँ पे आपकी डायगोनल दिशाओं की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारी उप दिशाएं होती है ना उनकी भी यहाँ पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से ही बनेगा। बल्कि हाँ, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से ही बनेगा। ये चार ही दिशा आपकी इस टाइप में पूरे में काम आएंगे। क्लियर है? अब यहां से कुछ कॉमन सी बातें और हैं कि देखो, परछाई जो बनती है या तो सामने की तरफ बनती है या पीछे की तरफ बनती है, ठीक है, या फिर बाईं ओर बनेगी या दाईं ओर बनेगी। मतलब जो परछाई आपकी बनती है वो चार स्टेज पे बनती है, कि या तो सामने या पीछे की तरफ होगी या बाएं और दाईं तरफ होगी। बात क्लियर है? नोट कर लो इसे जरा एक बार। सुबह वाले पोर्शन को कर लो, शाम वाले को कर लो, बस यही दो चीजें। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा आपका, लिखिए, एक व्यक्ति सूर्योदय के समय, एक व्यक्ति सूर्योदय के समय पार्क में घूम रहा था, एक व्यक्ति सूर्योदय के समय पार्क में घूम रहा था, यदि उसकी छाया, छाया मतलब परछाई, उसके सामने बन रही हो तो व्यक्ति किस दिशा की ओर व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अगर इस टाइप के सवाल में हमें समय नहीं दिया होगा तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें समय जरूर पता होना चाहिए। जब भी आपके सामने परछाई वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपके सामने समय का बहुत जरूरी है पता होना, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं निकाल सकते, ठीक है? हमें समय कौन सा दिया है? सूर्योदय के समय, यानी कि सूर्योदय का समय है, तो हमें एक बात पक्का पता चल जाएगी कि भाई सूर्य कहाँ है? ईस्ट में, और परछाई कहाँ है? वेस्ट में। देखो ये पूरा का पूरा एरिया अब हमारा पश्चिम को ही दर्शाएगा, ठीक है? अब कह क्या रहे हैं कि एक व्यक्ति सूर्योदय के समय पार्क में घूम रहा था, यदि उसकी छाया उसके सामने बन रही हो। अब सामने कैसे बनेगी? जब व्यक्ति का फेस भी परछाई वाली दिशा में होगा,
यदि उसकी छाया उसके सामने बन रही हो तो व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। भाई अगर वो अपनी छाया को ही देख रहा है तो कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में ही तो है। अगर क्वेश्चन आ जाता है इसके उल्टा कि भाई एक व्यक्ति सूर्योदय के समय पार्क में घूम रहा था, यदि उसकी छाया उसके ठीक सामने बन रही हो तो, सॉरी सामने नहीं, उसकी छाया उसके ठीक विपरीत बन रही हो या उसके पीछे बन रही हो, पीछे ही आएगा वैसे तो, कि उसकी छाया उसके पीछे बन रही हो तो व्यक्ति किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है। अब आपको पता है सुबह का समय है, परछाई तो यहीं जाएगी, अब व्यक्ति के पीछे बननी है परछाई, तो कैसे बनेगी? जब व्यक्ति का फेस पूर्व दिशा में होगा। तो सामने और पीछे वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, कंफ्यूज करते हैं दाएं और बाएं वाले क्वेश्चन, कि भाई व्यक्ति की छाया उसके दाई ओर बन रही है, व्यक्ति की छाया उसके बाई ओर बन रही है। यहाँ तो आपको यही देखना है कि या तो वो पूरब, देखो एक बात और फिक्स होती है कैसे, कि अगर आपके क्वेश्चन में जो दिशा है या परछाई है वो सामने या पीछे है तो इसका आंसर जो बनेगा या तो पूर्व बनेगा या पश्चिम बनेगा। इसके अलावा इसका कोई उत्तर अगर आएगा तो वो उत्तर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, कि अगर सामने और पीछे हमारी परछाई दे रखी है तो या तो मेरा उत्तर आएगा पूरब या मेरा उत्तर आएगा पश्चिम या फिर क्या आएगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है तो फिर मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि ज्ञात नहीं कर सकते कैसे आएगा, तो लिखिए दूसरा क्वेश्चन। एक दिन मोहन सड़क पर घूम रहा था, यदि मोहन की छाया उसके ठीक सामने बन रही हो तो मोहन किस दिशा की तरफ जा रहा था? अब ऑप्शन इसके कैसे आ सकते हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा पूरब, ऑप्शन बी आएगा पश्चिम, ऑप्शन सी आ जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। और ऑप्शन डी आ जाएगा उत्तर, किस तरीके से आ सकता है उत्तर, तो आंसर क्या बनेगा? हाँ जी आंसर क्या बनेगा, क्यों नहीं दे रखा? बात ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, देखो दे रखा है नहीं दे रखा, सी ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं कि दिन की बात है तो सुबह को ले देते हैं वो, ठीक है ऐसा नहीं है, दिन तो शाम को भी होता है, तो दिन तो वैसे भी 24 घंटे का होता है, उसमें तो रात भी आ जाती है। तो एक दिन मोहन, सबसे पहली कंडीशन हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है कि उसने हमें सूर्य की सिचुएशन तो बताई ही नहीं कि सूर्योदय का समय है या सूर्यास्त का समय है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंकड़े अपर्याप्त। अब यहां पे वो इस ऑप्शन को हटा के ज्ञात नहीं कर सकते भी रख सकता था, तो इसी ऑप्शन को हटा के वो क्या रख सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते, तो दोनों में से कोई सही ऑप्शन आ जाए उसे ही हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं दोनों कैसे आ जाएंगे, दोनों में हाँ दोनों अगर आते हैं ना वैसे तो आएंगे नहीं, अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखना, वैसे तो आएंगे नहीं दोनों विकल्प एक साथ, लेकिन अगर दोनों विकल्प एक साथ आ जाते हैं तो फिर इसका विकल्प जो होगा वो ये होगा, आंकड़े अपर्याप्त।
क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा की तो कमी है, अगर डाटा पूरा होता तो हम आंसर निकाल देते, तो सामने और पीछे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब लिखते हैं दाएं और बाएं वाले। जैसे तुम्हें मैंने बताया था अभी कि सामने और पीछे का जो उत्तर आता है वो हमेशा क्या आता है, पूर्व या पश्चिम, और अगर इसके अलावा कोई आंसर आएगा तो याद नहीं कर सकते आएगा। तो ऐसे ही देखो, या तो परछाई दाईं ओर बनती है या बाईं ओर बनती है, दाईं या बाईं। तो इसका जो उत्तर होता है वो हमेशा या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया जिसमें परछाई जो है दाईं या बाईं तरफ बन रही है, अब उसमें ऑप्शन आ जाए पूरब पश्चिम उत्तर, और एक ऑप्शन आ जाए कि आप नहीं कर सकते है, तो देखो यहां पे रिस्की ही। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। मान लो आपके पास केवल क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड बचे हुए हैं, ठीक है। अब 5 सेकंड में, चलो 5 भी ज्यादा है, 3 या 4, 2 या 3 सेकंड, मतलब ऐसे समय है जहां आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपके सामने एक क्वेश्चन आया जिसमें दे रखा है कि परछाई दाईं ओर बन रही है, एक व्यक्ति की परछाई है जो दाईं ओर बन रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि जब दाईं ओर परछाई बनेगी तो मेरे ये वाले ऑप्शन तो आंसर होंगे नहीं। अब क्वेश्चन को सोल्व करने का टाइम है नहीं, आपने देखा इसमें उत्तर लिखा हुआ है तो आप उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिस्क है। रिस्क क्या है कि आंसर ये भी हो सकता है, तो 2-4% रिस्क तो उठा सकते हो कि क्या पता सही हो ही जाए। देखो 5 सेकंड में फिर भी आंसर नहीं आ रहा, 1 या 2 या 3 सेकंड में आंसर तो फिर भी नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि मुझे पता है जब परछाई दाईं या बाईं ओर बनती है तो या तो आंसर उत्तर होता है या दक्षिण होता है। अब मेरे विकल्प में केवल उत्तर है तो 90% ये आंसर सही हो सकता है, 10% इसमें रिस्क आप उठा सकते हो, तो इतना तो आप उठाने की कोशिश कर सकते हो अगर कोई एग्जाम आप एग्जाम दे रहे, 5-10% तो चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। एक दिन सूर्योदय के समय राजीव अपने स्कूल जा रहा था, यदि राजीव की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही हो तो राजीव इस दिशा में, आगे बढ़ रहा था, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपकी परछाई बाईं या दाईं तरफ होगी तो आपका उत्तर क्या आएगा, या तो उत्तर आएगा या दक्षिण आएगा। ये बात तो फिक्स है, एक तो ये बात फिक्स है, एक दूसरी बात फिक्स क्या है, परछाई का भी फिक्स होता है कि अगर सुबह का समय है तो सूर्य पूरब में और परछाई कहां, पश्चिम में, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जब भी परछाई कहां बन रही है, उसके बाईं ओर बन रही है, तो एक बात पता चल जाती है, या तो व्यक्ति नीचे की तरफ फेस करके चल रहा है या ऊपर की तरफ फेस करके चल रहा है। अब मुझे बताओ अगर व्यक्ति नीचे की तरफ फेस करके चल रहा है तो उसका राइट हैंड किधर पड़ेगा, इधर, और लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा, इधर, और अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर फेस करके चल रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, राइट हैंड इधर पड़ेगा। अब हमें क्या बताना है कि भाई राजीव की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब बाईं ओर छाया किधर है, इधर,
अब इधर वाली कंडीशन पे लेफ्ट साइड कहां से बढ़ रही है? जब हम ऊपर की ओर फेस करके खड़े हैं, और जब हम ऊपर की ओर फेस करके खड़े होंगे तो फेस किधर है? उत्तर दिशा में। ठीक है, आप ये मत देखो मैंने बना कहां रखा है, आपको एरो का वो देखना है कि एरो का फेस किधर है। इस एरो का फेस किधर है? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। ये एरो का फेस किधर है? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और जब वो कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उसका बाई इधर की तरफ साइड ही तो पड़ेगा, और परछाई भी किधर है? इधर की साइड ही है। हालांकि इसे हम बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं। कैसे? कि अगर आप दो चीजें याद रख लो कि एक तो सुबह का समय, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो समय मिलेगा, तो या तो सुबह का समय होगा या शाम का समय होगा। एक आपको क्या मिलेगा? बायां और दायां मिलेगा। ठीक है, तो सुबह, अब देखो बायां क्या होता है? लेफ्ट। और दायां क्या होता है? राइट। और लेफ्ट में अगर हम देखें तो एक एल होता है, और राइट में क्या होता है? आर। ठीक है, अगर हम सुबह के लिए देखें तो इसमें एल और आर है, तो सुबह के लिए हम यूज करेंगे आर को, और शाम के लिए हम यूज करेंगे एल को। आपको केवल ये चीज याद रखनी है कि सुबह का समय है तो हम आर यूज करेंगे, शाम का समय है तो एल यूज करेंगे। बाएं में लेफ्ट में एल खुद होता है, दाएं में राइट में आर खुद होता है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पेयर। कैसे? कैसे कि या तो आपका कंडीशन क्या हो सकती है कि सुबह का समय और परछाई कहां? दाई ओर। और क्या हो सकता है? सुबह का समय, परछाई बाई ओर। और क्या हो सकता है? शाम का समय, परछाई दाई ओर। और क्या हो सकता है? शाम का समय, परछाई बाई ओर। ये चार ही तो केस बनेंगे कि या तो सुबह का समय होगा परछाई दाई ओर बन जाएगी, शाम का समय होगा परछाई सॉरी सुबह का समय होगा परछाई बाई ओर बन जाएगी, शाम का समय होगा दाई ओर बन जाएगी, शाम का समय होगा बाई ओर। अब अगर मुझे इन दोनों का पेयर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा? सुबह के लिए क्या है? आर। परछाई भी किधर बन रही है? दाई तरफ। और दाया क्या होता है? आर। तो पेयर क्या बना मेरा? आर प्लस आर का। दूसरा पेयर क्या बनेगा? आर प्लस एल का। तीसरा पेयर क्या बनेगा? एल प्लस आर। और चौथा पेयर क्या बनेगा? एल प्लस एल। तो देखो ये तो सेम ही है दोनों, केवल पलटी तो रहे हैं। तो या तो मेरा पेयर बनेगा, देखो तीन ही पेयर ध्यान रखने आपको, या तो पेयर बनेगा आर प्लस आर, या पेयर बनेगा एल प्लस एल, या पेयर बनेगा आपका एल प्लस आर। अब एल प्लस आर लिख लो या आर प्लस एल लिख लो, बात तो एक ही है कि नहीं? बस कंडीशन समय की बदल जाएगी, लेकिन पेयर तो तब भी यही रहना है। एल प्लस आर लिख लो या आर प्लस एल लिख लो। अब जब भी आपकी सेम कंडीशन आएगी कि आर प्लस आर क्या है? सेम है, तो उत्तर हमेशा आपका दक्षिण बनेगा। इसमें भी क्या बनेगा? दक्षिण बनेगा। और जब अपोजिट आएगी, अपोजिट ही तो है एल प्लस आर, तो अपोजिट बनेगी या अलग अलग बनेगी, तो आपका आंसर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। ये तीन चीजें अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपको पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? क्वेश्चन पढ़ो। एक दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय का समय मतलब सुबह का समय, और सुबह का समय है तो क्या लेंगे हम? आर। राजीव अपने स्कूल जा रहा था, यदि राजीव की छाया उसके ठीक बाई ओर बन रही हो, बाया क्या होता है? लेफ्ट। पेयर क्या बना? आर प्लस एल। और आर प्लस एल से आंसर क्या आता है मेरा? उत्तर। आंसर भी क्या आया था मेरा? उत्तर ही आया था, कि हमने डायग्राम से बना के देखा तब भी उत्तर, और ट्रिक से करके देखा तब भी उत्तर। तो हम यहां से इजीली क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर की सहायता से मात्र क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? कि राजीव की छाया उसकी बाई ओर बन रही थी, तो राजीव किस दिशा में आगे बढ़ रहा था? तो भैया आर प्लस एल से क्या बनता है? उत्तर, यानी कि वो उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। प्रूव करने के लिए हमने ये कर रखा कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है तो सुबह के समय उसकी परछाई बाई ओर बनेगी। ठीक है, नोट कर लो आप ये वाली चीज, ये तो कर ही लिया होगा कंसेप्ट, तो ये वाली चीज और कर लो।
एक दिन सूर्यास्त के समय, एक दिन सूर्यास्त के समय गोपाल अपने कार्यालय से घर जा रहा था। एक दिन सूर्यास्त के समय गोपाल अपने कार्यालय से घर जा रहा था। यदि गोपाल की छाया, यदि गोपाल की छाया उसके ठीक दाईं ओर बन रही हो तथा गोपाल अपने घर के ठीक सामने खड़ा हो, गोपाल अपने घर के ठीक सामने खड़ा हो तो गोपाल का घर किस दिशा की ओर, या गोपाल काम करो, गोपाल के घर का दरवाजा किस दिशा की ओर दिखाई, दिशा की ओर होगा, या और थोड़ा सही से करेक्शन करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन सूर्यास्त के समय गोपाल अपने कार्यालय से घर जा रहा है। यदि गोपाल की छाया उसके ठीक दाईं ओर बन रही हो तथा गोपाल अपने घर के ठीक सामने खड़ा हो तो गोपाल के घर का दरवाजा किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, अब आपको पता है शाम का समय है तो एल गोपाल की छाया उसके ठीक दाईं ओर बन रही है तो आर, और एल प्लस आर से आंसर क्या होता है, उत्तर। लेकिन ये क्या है आंसर, ये आंसर है गोपाल के फेस का, ये दरवाजे का आंसर नहीं है। ये तो आंसर हमें गोपाल के फेस का मिला है। अब मुझे बताओ अगर गोपाल का फेस किधर है, उत्तर दिशा में है, और वो अपने घर के ठीक सामने खड़ा है तो घर कहाँ होगा, कुछ इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं। अब उसे अपने घर के दरवाजे में एंट्री करने के लिए ऐसी तो जाएगा वो, तो वो उत्तर की ओर जा रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि दरवाजा किस दिशा की ओर होगा। तो दरवाजा जो होगा वो घर से अपोजिट साइड से तो देखेंगे हम, तो दरवाजे की डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिण होगी, क्योंकि यहां से तो वो अंदर जा रहा है। अब उत्तर की ओर चलते हुए अगर तुम अपने घर में घुस जाओ तो घर से बाहर निकलते समय कौन सी दिशा में जाओगे, दक्षिण में, और घर से जब बाहर जाते हो तो किससे निकल के जाते हैं, हम दरवाजे से ही तो निकल के जाते हैं, तो दरवाजे का फेस कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में होगा। जैसे हम नॉर्मली घर में भी कह देते हैं कि भाई हमारा जो दरवाजा है वो पूर्व दिशा की ओर फेसिंग है, तो उसका क्या मतलब है कि जब हम निकलते हैं तो हमें पूर्व दिशा दिखाई देती है। ऐसी हम कुछ कोई कह देता है कि जो हमारा गेट है वो पश्चिम दिशा की ओर फेस कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जब हम निकलते हैं घर से तो वो पश्चिम दिशा की ओर फेस करके निकलते हैं। ठीक है, तो अगर अब जब निकलोगे तो पश्चिम में निकलोगे, और जब उसमें एंट्री करोगे तो कौन सी दिशा में करोगे, पूरब दिशा में करोगे, करोगे कि नहीं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि दरवाजे का जो फेस होगा, अगर कोई उसके दरवाजे के सामने खड़ा है तो उसके अपोजिट फेस आएगा उसका। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, क्योंकि अगर मुझसे गोपाल का पूछा होता तो आंसर क्या आ जाता, उत्तर, लेकिन मुझसे पूछा है घर के दरवाजे की दिशा, तो घर का दरवाजा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दक्षिण। क्योंकि कल परसों में मॉक टेस्ट दे रहा था उसमें आया था ये क्वेश्चन, है सेम यही क्वेश्चन था कि पूरब में दरवाजा है पिछले दरवाजे से निकलता है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे एक और। अब देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो केवल सिंगल व्यक्ति पे थे, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो दो व्यक्तियों पे आएंगे, और ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो दो व्यक्तियों पे ही आता है। ठीक है, कि दो व्यक्ति एक साथ घूम रहे होंगे, बैठे होंगे या कहीं जा रहे होंगे, जैसे गोपाल और केशव, गोपाल और केशव एक दिन सूर्योदय के समय एक दूसरे के
सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि गोपाल की छाया केशव के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो तो गोपाल का मुख किस दिशा में है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपाल और केशव एक दिन सूर्योदय के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है। यदि गोपाल की छाया केशव के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो तो गोपाल का मुख किस दिशा में है? अब देखो यहाँ पे व्यक्ति कितने हो गए, दो हो गए, एक गोपाल है और एक कौन है, केशव है, ठीक है। अब समय तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, मतलब समय कौन सा है और सुबह का, यानी कि दोनों के लिए हम क्या लेंगे, आर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि गोपाल की छाया केशव के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो, किसके बाईं ओर पड़ रही है, किसके बाईं ओर पड़ रही है, केशव के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि यहां क्या आ जाएगा, एल, और पेयर कंप्लीट। अब देखो गोपाल वाला पेयर तो इनकम्प्लीट है तो इसे तो हम सोल्व कर नहीं सकते, तो यहां से केशव का पेयर कंप्लीट हो गया और आर प्लस एल से आंसर क्या होता है मेरा, उत्तर होता है। लेकिन मुझसे अब ये उत्तर की ओर कौन देख रहा है, केशव देख रहा है, लेकिन मुझसे कौन पूछा है, गोपाल पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर केशव उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है और गोपाल उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो तो गोपाल का फेस किधर होगा, दक्षिण में होगा कि नहीं, तो मुझसे किसका पूछा है, गोपाल का, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। अगर केशव का ही पूछता तो मैं ही आंसर दे देता उत्तर, लेकिन मुझसे किसका पूछा है, गोपाल का। तो यहां पे क्योंकि एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो अपोजिट में ही खड़ा होगा। अब देखो जब भी कभी दो आदमियों पे प्रश्न आएगा ना, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य की स्थिति का पता होना बहुत जरूरी है, ये तो बताया ही था, चाहे सिंगल आदमी पे क्वेश्चन आए, चाहे दो पे आए, चाहे तीन पे आए, अगर सूर्य की स्थिति नहीं पता है तो आंसर निकलेगा ही नहीं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बढ़ जाती है जब दो व्यक्तियों पे क्वेश्चन आता है, तो जब दो व्यक्तियों पे क्वेश्चन आता है तो हमें कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर आना चाहिए जो उन्हें विपरीत दर्शाता हो, जैसे आमने सामने खड़े होके, ठीक है भाई, ऐसे शब्द आए हमारे क्वेश्चन में, आमने सामने, बस इतना ही रह जाओ कि हमारे क्वेश्चन में ऐसा कोई शब्द आना बहुत जरूरी है जो उन्हें एक दूसरे के विपरीत दर्शाता हो। कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, आमने सामने, एक दूसरे की तरफ मुख करके, ये भी तो आमने सामने हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, या और क्या आ सकता है, एक दूसरे के सामने खड़े होकर, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो उन्हें क्या दिखाता हो, अपोजिट दिखाता हो, तभी हम इस व्यक्ति का आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, फिर हम केवल और केवल इसका आंसर दे देते हैं। आप कहोगे कि जी फिर इसका आंसर हो क्या होगा, तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, सी एन डी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, एक दिन सूर्यास्त के समय, एक दिन सूर्यास्त के समय
मोहन और श्याम एक साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। यदि श्याम की छाया यदि श्याम की छाया मोहन के ठीक बाईं ओर बन रही हो, बाईं ओर बन रही हो, तो श्याम का मुख किस दिशा में है? श्याम का मुख किस दिशा में है? दक्षिण कैसे आ गया? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन सूर्यास्त के समय। अब कौन कौन है, पहले तो सबसे पहले हमें नाम लिखने हैं। एक मोहन है और एक श्याम है। एक दिन सूर्यास्त के समय कौन सा समय है, तो हमें क्या लेना है, एल। ठीक है, मोहन और श्याम एक साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। यदि श्याम की छाया मोहन के ठीक बाईं ओर बन रही हो, किसके बाईं ओर बन रही है, मोहन के, तो ये भी क्या हो जाएगा, और L प्लस L से आंसर क्या आता है, मतलब हमें एक बात पता चल गई कि मोहन का फेस किधर है, दक्षिण में है, बाईं ओर बन रही हो तो श्याम का मुख किस दिशा में है। क्या श्याम का पेयर कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, तो पेयर से तो आंसर आ नहीं रहा। क्या वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, नहीं बैठे। क्या एक दूसरे के विपरीत फेस करके बैठे हैं, क्या एक दूसरे का मुख उनके सामने है, नहीं है, तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे, क्यों बताएंगे, क्योंकि हमें श्याम की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। भाई हो सकता है कि वो दोनों बराबर बराबर में बैठे हों, हो सकता है कि वो ऐसे बैठा हो, वो ऐसे बैठा हो, भाई एक साथ तो है ही ना, भाई दो लोग अगर बैठे होंगे तो एक साथ तो बैठना पड़ेगा उन्हें, लेकिन आमने सामने बैठना और एक साथ बैठना दोनों चीजें क्या है, अलग अलग कंडीशन है। आमने सामने बैठना ये कहलाएगा, ठीक है, एक साथ बैठना ये भी कहला सकता है, ये भी कहला सकता है, ये भी कहला सकता है, और आपका ये भी कहला सकता है। तो एक साथ बैठने पे तो जहां दो या दो से अधिक लोग होंगे तो वो एक साथ तो बैठे ही होंगे, ठीक है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में आपको ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं मिल रहा, फिर आप लगा के आ सकते हो कि अगर एक दक्षिण में है तो दूसरा उत्तर में होगा, लेकिन अगर उत्तर के साथ साथ उसने ज्ञात नहीं कर सकते लगा रखा है तो आपका आंसर फिर ज्ञात नहीं कर सकते होगा। हाँ, अगर ये विकल्प ही हटा दिया उसने तो फिर आप कॉमन सी बात है, फिर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं बचता हमारे पास। घड़ी की सुइयों की दिशा पर आधारित प्रश्न, और ये रहेगा हमारा लास्ट टाइप। टाइप का नाम क्या होगा हमारा, घड़ी की सुइयों की दिशा पर आधारित प्रश्न। तो घड़ी की सुइयों की दिशा कैसी होती है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में बेसिक जानते हैं। देखो सबसे पहले तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हमें समय देखना आना चाहिए, वो भी एनालॉग वाली क्लॉक में। ये पूरा टाइप हमने क्लॉक वाले टॉपिक में भी किया है, तो हम दो से तीन क्वेश्चन करेंगे, तीन या चार क्वेश्चन, उसके बाद इसे हम टॉपिक को क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने क्लॉक वाले टॉपिक में कर रखे हैं, ठीक है। सेम वही कंडीशन यहाँ लगेगी, सेम कंडीशन हमने क्लॉक वाले टॉपिक में चलाई थी। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन से पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं कि मान लो आपके पास एक घड़ी है जिसमें अभी जो समय हो रहा है वो कितना हो सकता है, भी 3 बज रहे हैं, ठीक है, कि एक घड़ी है हमारे पास और उसमें टाइम कितना हो रहा है, कि उसमें जो हो रहा है टाइम हमारा वो हो रहा है 3 बजे, ठीक है। तो आपको पता है एक घड़ी में या तो मिनट की सुई होती है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या तो मिनट की सुई से बनते हैं या घंटे की सुई से बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस घड़ी में मिनट की सुई 3 बजे कौन सी दिशा में है,
आप क्या कहोगे? तो आप कह दोगे कि 3 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा में है? उत्तर में। अगर मैं तुमसे पूछूं घंटे की सुई कौन सी दिशा में है, तो आप क्या कह दोगे? आप कह दोगे पूर्व दिशा में। ठीक है, अगर इसी घड़ी में मैं कितने बजा दूं, कितने बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं। तो 4:30 बजे मिनट की सुई कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? दक्षिण में। और घंटे की सुई कहां पहुंच गई? दक्षिण पूर्व में। कैसे पहचानेंगे? कि हम सिंपल अपनी जो भी मेरा टाइम है उसको मैं अगर डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपको पता है 8 दिशाएं होती हैं, इस तरीके से 4 उपदिशाएं हैं, 4 मूल दिशाएं हैं। तो मुझे 4:30 बजे कौन सी दिशा में दिख रहा है? मिनट की सुई दक्षिण में दिख रही है, और जो ये वाली सुई है ये दक्षिण पूर्व में दिख रही है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपकी इन एग्जैक्ट टाइम की दिशा को चेंज करके देगा, कि वो कह देगा कि 4:30 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो आपको पता है 4:30 बजे तो मिनट की सुई दक्षिण दिशा में होती है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, दक्षिण को क्या बोल दिया? उत्तर बोल दिया। ठीक है, अब दक्षिण को अगर उत्तर बोलेगा तो क्या करा उसने, घड़ी की सुई को चेंज कर रखा है। अब वो सुई को चेंज नहीं करता, देखो हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से तो है, ये है हमारा क्वेश्चन। दोबारा बना लेते, मुझे क्या टाइम दे रखा है उसने, 4:30 बजे का। अब ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 4, ये 5, यहां से शुरू हुआ, यहां 6 और यहां 4:30। ठीक है, अब 4:30 बजे मिनट की सुई को हम शॉर्ट में MH बोल देते हैं, मिनट हैंड, और घंटे की सुई को शॉर्ट में बोल देते हैं HH। ठीक है, आवर हैंड। अब मिनट हैंड कहां है? दक्षिण में। आवर हैंड कहां है हमारा? दक्षिण पूर्व में। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपकी सुइयों की डायरेक्शन को बदल के देगा। कैसे? वो तुमसे कह देगा कि भाई मिनट की सुई दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में है। कैसे कहेगा? कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ठीक है, हमसे क्या कहेगा कि 4:30 बज रहे हैं, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? अब हम देखेंगे कि भाई मिनट की सुई 4:30 बजे तो दक्षिण दिशा में होती है। अब दक्षिण दिशा को उसने क्या बोल दिया? पश्चिम। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, क्योंकि 8 डायरेक्शन यहाँ पे काम आएंगे, दक्षिण कहाँ होता है? यहाँ पे। पश्चिम कहाँ होता है? यहाँ पे। कितना चेंज कर रखा है? 90 डिग्री। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉक में? भाई आगे की तरफ ही तो जा रहा है, तो उस घड़ी की सुई ऐसी तो चलती है, तो क्लॉकवाइज चल रहा है। मतलब उसने हमारी दिशा को, हमारी घड़ी की सुई को 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ा रखा है। ठीक है, या तो वो आगे बढ़ाएगा या पीछे हटाएगा। तो आप क्या करो, जो आपसे पूछा गया है उसमें भी आप उतना ही चेंज कर दो, 90 डिग्री। अब दक्षिण पूर्व को 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेके जाना है। दक्षिण पूर्व कहां होता है? यहां पे। अब इसे 90 डिग्री लेके जाना है, यहां आ जाएगा। आपको पता है 2 उपदिशाओं के बीच में 90 डिग्री का ही कोण होता है, होता है कि नहीं? तो 2 उपदिशाओं के बीच में 90 डिग्री का है, तो ये कहां पहुंच जाएगा? दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाएगी। ठीक है, बात क्लियर? क्वेश्चन लिखेंगे तो अब एक घड़ी में, एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई
यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? मैंने तो केवल तुमसे इतना बताया था कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो समय मुझे दिया है उस समय में ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होती है, इतना तो मैंने बताया। तो समय क्या दिया है मुझे? 9 बजे। अब 9 कैसे बजते हैं जब एक सुई 12 पे होती है, एक सुई 9 पे होती है, ऐसी तो बजते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 9 बजे मिनट हैंड कौन सी दिशा में होता है? उत्तर में होता है ओरिजिनल, और घंटे वाली सुई एचएच कौन सी दिशा में होती है? पश्चिम में होती है, होती है कि नहीं? अब मुझे उसने कौन सी चेंज कर रखी है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मिनट की सुई कहाँ है? उत्तर दिशा में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ है? पूर्व दिशा में। अब मुझे बताओ, उत्तर से पूरब में जाना है तो ये उत्तर है, यहां जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? 90 डिग्री। कैसे जाना पड़ेगा? सीधा चल के, और सीधा चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो मुझे पश्चिम को भी, यानी कि मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मुझे पश्चिम को भी कितना चेंज करना पड़ेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ पश्चिम कहाँ होता है? यहाँ पे। पश्चिम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलाना है तो यही तो बनेगा, और कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तर में पहुंच जाएगा। बताओ कौन सा मुझे 3 या 4 या 8 बजाने पड़े इसमें? 12:15 कहाँ बजाए? एक घड़ी में 9:45 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में हो, दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो 7:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी में 9:45 बज रहे हैं, यानी कि 9:45 का टाइम है, और आपसे पूछा कब का है? 7:30 बजे का। तो एक घड़ी, अब दो अलग अलग टाइम दे दिए, वहीं फंस गए, कुछ नहीं करना था। कह रहा है एक घड़ी में 9:45 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई, कौन सी की बात कर रहा है? अब 9:45 पे मिनट की सुई कहाँ होती है? पहले तो देखो 9:45 बजते कैसे हैं कि 12, 3, 6, 9, ये 10 और ये 11, तो मिनट वाली सुई तो होगी एग्जैक्ट 9 पर, और जो घंटे वाली सुई होगी वो ठीक 10 से थोड़ा सा नीचे होगी, ठीक है, 15 मिनट का गैप होगा उसमें भी 10 पर पहुंचने में। तो लेकिन हमें तो कौन सी की जरूरत है? मिनट की सुई की जरूरत है। तो 9:45 बजे एमएच कहाँ होती है? पश्चिम में होती है, और हमसे दूसरा टाइम क्या पूछा है? 7:30 बजे कौन सा पूछा है? घंटे की सुई का। अब 7:30 कैसे बजते हैं? अगर मैं इसी घड़ी में बजाऊं तो ये 7, थोड़ा सा इसे और ठीक कर लेते हैं, ये 6, ये 7 और ये 8, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। और 7:30 बजे मिनट वाली सुई कहाँ? यहाँ पे, और जो घंटे वाली सुई होगी वो 7 और 8 के ठीक बीच में होगी, ठीक है। अब 7:30 बजे घंटे की सुई कहाँ दिखाई दे रही है? कौन सी दिशा है ये? दक्षिण पश्चिम। अब मुझे बताओ एमएच को कितना चेंज कर रखा है उसने, कि भाई पश्चिम को कौन सा बोल रखा है? दक्षिण पूर्व, यानी कि पश्चिम को क्या बोल दिया? दक्षिण पूर्व। अब पश्चिम से दक्षिण पूर्व पे जाने के लिए कैसे कैसे बनाएंगे कि यहां हूं, कहां जाना है? यहां पे जाना है, तो यहां, यही तो आएगा दक्षिण पूर्व,
तो यहां से ये 90 और ये 45, 135 वापस जाना पड़ रहा है, और वापस जाते हैं तो एंटीक्लोक। अब दक्षिण पश्चिम को भी कितना पहुंचाना है, 135 डिग्री एंटीक्लोक पहुंचाना है। अब दक्षिण पश्चिम कहां होता है, यहां बना लेते, नहीं दक्षिण पश्चिम कहां होता है, यहां पे। इससे 135 एंटीक्लोक लेके जाना है, तो 45 ये और 90 ये कहां पहुंच जाएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, पूर्व दिशा में आ जाएगा। ठीक है, हुआ नहीं पर। अब देखो, इसने पहले वाले टाइम पे क्यों नहीं पूछा हमसे क्वेश्चन, भाई अब तक तो हमें एक ही टाइम देता था, उसी पे पूछ लेता था। इसने क्या टाइम दे रखा है, 9:45। अब 9:45 पे मिनट वाली सुई तो ठीक है कि पश्चिम में है, लेकिन घंटे वाली सुई की एग्जैक्ट पता नहीं होती, वो तो यहाँ पे है यहाँ। अब यहाँ तो कोई दिशा होती नहीं, कोई दिशा कहाँ होती है, 10:30 बजे जो उत्तर पश्चिम वाली दिशा आएगी वो 10:30 बजे आएगी, ना कि 9:45 बजे। तो 9:45 बजे घंटे की सुई की कोई एग्जैक्ट दिशा पता नहीं होती है, क्योंकि दिशा तो 8 ही है हमारे पास, और जो ये उत्तर पश्चिम आती है वो 10:30 बजे आती है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, बताने को तो वो कुछ भी दे दे, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे इसमें आपसे पूछ रखा है घंटे की सुई कितने बजे, 7:30 बजे, तो आपसे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा वो इन आठों में से ही कोई एक टाइम होगा। अब ये आठों टाइम कौन कौन से होते हैं, देखो यहां होता है 12, यहां होता है 1, यहां होता है 2, यहां होता है 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। मतलब एक दिशा तो आ रही होगी आपकी बिल्कुल नंबर पे, जो मूल दिशा है, और जो उपदिशा आएगी वो आएगी आपके दो नंबरों के बीच में, क्योंकि आपको अगर अपने डायरेक्शन में उत्तर पूर्व बनाना है तो आप कहाँ बनाओगे, यही तो बनाओगे। आपको दक्षिण पूर्व बनाना है तो आप यही तो बनाओगे, आपको दक्षिण पश्चिम बनाना है तो यही तो बनाओगे, उत्तर पश्चिम बनाना है तो यही तो बनाओगे। तो हमेशा दो नंबरों के बीच में आती है, क्यों, क्योंकि इतना ही गैप यहाँ पे, इतना ही गैप यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का ही तो पॉइंट आएगा जो इन्हें बीच में निकाल के लाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक, जिसमें हमने लगभग लगभग 40-50 सवाल किए होंगे, लगभग हो गए होंगे 40-50 सवाल तो, और बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा मैटर हमने इसमें सोल्व कर लिया है। आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्शन टेस्ट के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए।